नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएनजी न्यूज 24 लाइव। हम अभी आ पहुंचे हैं होटल हयात, जहां पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी 2021 के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन को लेके यहां पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई है। साथ में जानते हैं उनसे कि इस इलेक्शन के बारे में उनकी क्या रणनीति है। धन्यवाद। सभी मीडिया के बंधुओं को, मित्रों को मेरा भी नमस्कार, सभी बहनों को भी नमस्कार, मीडिया की बहनें भी आए हैं। तो जैसा गुलाब भाई ने बोला कि गुजरात के काफ़ी साथी यहाँ से, गुजरात के काफ़ी लोग जो चिंतन करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी से लगातार संपर्क में रहे और सबका आग्रह रहा कि आम आदमी पार्टी को गुजरात में भी सक्रिय होना चाहिए। जिस तरह से 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी को मौका मिला, तो केवल 5 साल में दिल्ली की तस्वीर बदलने लगी है। तो उससे प्रभावित होकर, उससे प्रेरित होकर यहाँ के बहुत सारे लोग भी संपर्क करते रहे और धीरे धीरे वो संपर्क करने वाले लोगों में से बहुत सारे लोग पार्टी ज्वाइन करके पार्टी का कार्यक्रम भी आगे बढ़ाते रहे। और अब ये निर्णय लिया गया कि हम आम आदमी पार्टी की तरफ से गुजरात के लोकल बॉडी इलेक्शंस को, लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी जो पिछले 25 साल से इधर नगर निगम में है, 25 साल में बीजेपी से गुजरात के अलग अलग शहरों में, नगर निगम में प्राइमरी हेल्थ सेंटर ठीक नहीं हुए, ढंग के पीएचसी नहीं बनवाए गए और अरविंद केजरीवाल जी ने केवल 5 साल मौका मिला, 5 साल तो लंबा समय है, केवल 2 साल में वहां इतने अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनवाने शुरू कर दिए कि देश भर से लोग देखने आने लगे और 4-5 साल में तो विदेशों से भी लोग देखने आने लगे कि आम जनता के लिए लोकल हेल्थ का मॉडल क्या हो सकता है। तो पूरी तरह फेलियर है। नगर निगम के हिस्से दूसरी जिम्मेदारी है बीजेपी के पास में स्कूल चलाने के लिए, प्राइमरी स्कूल, अर्ली चाइल्डहुड केयर। आज देश का बचपन ठीक से तैयार नहीं हो रहा, तो देश का युवा जब पढ़ने जाता है हायर एजुकेशन में, स्कूलिंग में, तो वहां फेल होता है। वहां नंबर लेके पास तब भी हो जाए लेकिन वो नौकरी नहीं मिल पाती, उसकी मजबूत पक्ष नहीं होता उसका प्रोफेशनली। उसका सबसे बड़ा कारण है कि म्यूनिसिपल के स्कूल बर्बाद है। 25 साल हो गए बीजेपी को स्कूल चलाते चलाते, उनसे अच्छे स्कूल नहीं बन पाए नगर निगमों में। वो शहर के बच्चों को, जो गांव से आदमी आता है, पहले से शहर में रह रहा है, वो उसके बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाए। उसके काउंसलर्स, जो बीजेपी के काउंसलर्स पिछले 25 साल में रहे, जो काउंसलर बनता है वो अपना धंधा चमकाने लगता है और कोई वजह नहीं है, इसी के कारण वो इतना लोकप्रिय हो जाता है, अलोकप्रिय हो जाता है कि बाद में जब बीजेपी को हमेशा उसका टिकट बदलना पड़ता है, 50-60% लोगों के टिकट इसीलिए बदलने पड़ते हैं क्योंकि वो लोग अपना 4-5 साल जितने दिन सत्ता में रहते हैं नगर निगम में करप्शन करते हैं। आज लोग गुजरात में विकल्प ढूंढ रहे थे, लोग कांग्रेस की तरफ देखना भी चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने अपनी सारी क्रेडिबिलिटी खो दी है, कांग्रेस में दम नहीं है। आप पत्रकार बंधु जानते हैं कि पिछले 25 साल में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के किसी कुकृत्य के खिलाफ कोई आंदोलन किया हो, कोई आवाज उठाई हो, कोई मजबूती से इस बात को रखा हो कि साहब ये बीजेपी गलत कर रही है, ये बीजेपी ने गलत फैला रखा है, ये बीजेपी ने ठीक काम नहीं किया है। कांग्रेस आराम से हाथ पे हाथ रखे बैठी है, बैठी रहती है। 5 साल बाद जब चुनाव आता है, थोड़ा लोग नाराज होते हैं बीजेपी से, गुस्सा होते हैं, तो कांग्रेस को वोट दे देते हैं कुछ लोग, और वो कांग्रेस के लोग जीत के वापस बीजेपी में चले जाते हैं। तो कांग्रेस के बस की नहीं है बीजेपी को हटाना। आज लोग गुजरात में बीजेपी को हटाना चाहते हैं, नगर निगमों से बीजेपी का सफाया चाहते हैं, कांग्रेस के बस की नहीं है। आज आम आदमी पार्टी एक विकल्प है, केजरीवाल जी की राजनीति एक विकल्प है, ईमानदार राजनीति, लोगों की मदद करने वाली राजनीति, लोगों के लिए सोचने वाली राजनीति, ये है। इसके लिए मैं गुजरात के नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, अभी जो लोकल बॉडीज के चुनाव होने हैं, उसमें मैं गुजरात के सब लोगों से यहाँ अपील करने आया हूँ कि इस बार केजरीवाल जी की टीम को मौका दें। केजरीवाल जी की टीम को मौका देंगे तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की टीम को भूल जाएंगे, ये मुझे आपके बीच रखना है। थैंक यू। बीजेपी और कांग्रेस में जो संतुष्ट लोग नहीं है, आपका पार्टी उसको क्या परफॉर्मेंस देगी? हम लोग 192 लोगों को अभी उतार चुके हैं, बाकी बीजेपी और कांग्रेस से जो असंतुष्ट लोग हैं वो साथ दें,
वो आए साथ में मिलके और इस फेलियर से गुजरात को बचाएं, गुजरात के लोगों को बचाएं।